डियर टीचर्स, ये वीडियो आप असाइनमेंट किस तरह बच्चों को देंगे, असाइनमेंट में आप रूब्रिक्स किस तरह ऐड कर सकते हैं ताकि जब असाइनमेंट्स आपको रिसीव हो तो चेकिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाए। और रूब्रिक्स का फ़ायदा ये हो कि बच्चों को एग्जैक्टली पता हो कि उनको उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, और जब वो काम फिनिश करके आप चेक करके रिटर्न करें उन्हें ये भी पता चले कि उनके कहाँ पे फ़र्क रह गया है और कहाँ वो ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप असाइनमेंट्स के अंदर जाएंगे, असाइनमेंट्स आप क्रिएट करेंगे। आपने असाइनमेंट क्रिएट किया, असाइनमेंट में आप टाइटल डाल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एसे है, तो आप एसे का टाइटल दें। आपका पहला एसे है एसे नंबर वन, अपने टाइटल दे दिया। और कोई इंस्ट्रक्शंस आपको देना है तो लिख दीजिए, प्लीज राइट द टेस्ट फाइल, अपने इंस्ट्रक्शंस ऐड कर दी। अब यहाँ पे आप जो फाइल में बच्चों को लिखाना चाहते हैं आप वो यहाँ ऐड कर सकते हैं, या अगर बच्चे अपने पेजेस पर लिखे, अपनी नोटबुक में लिखें, तो आप इंस्ट्रक्शन में मेंशन कर दें कि वो अपने कोई भी रूल शीट पे लिख लें और फिर ऐड वर्क कर दें। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की हुई है, मैंने ऐड रिसोर्स में क्लिक किया और वो फाइल मेरे कंप्यूटर पे, मेरे लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे है। अपलोड फ्रॉम डिवाइस को मैंने सेलेक्ट किया, अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस, और जहाँ पे मैंने वो फाइल रखी है मेरे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे मैंने देखी कि मैंने ये वर्ड की फाइल ली, इसको अटैच कर ये फाइल अपलोड होगी। वेट कीजिए, अपलोड का मैसेज आएगा और जैसे ये फाइल अपलोड हो गई आपकी डन। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा कि अभी जो मैंने फाइल अटैच की है बच्चे उसमें खुद कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि स्टूडेंट्स कान एडिट है। आप इसको चेंज कर दे, स्टूडेंट्स एडिट देयर ओन कॉपी, आपने चेंज कर दिया। ओके, अब आप ये ऐसे में कितने पॉइंट्स देंगे ये पॉइंट्स आप मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 20 पॉइंट्स मेंशन कर दिए। अब आप एक रूब्रिक्स पहले से बना लें तो बहुत अच्छा है, ना हो तो आप अभी भी ऐड कर सकते हैं। आपने ऐड रूब्रिक्स किया, ऐसे के लिए मैंने नेट से एक रूब्रिक्स डाउनलोड कर लिया था, उसको पहले से प्रिपेयर कर लिया था फॉर्मल ऐसे, मैंने इसको सेलेक्ट किया और अटैच कर दिया। ये इस तरह से रूब्रिक्स है कि आइडिया 20% वेटेज आइडियाज़ के लिए है, उसमें प्रेजेंस आइडिया इन एन ओरिजिनल मैनर तो उसको एक्सेलेंट 4 पूरे मार्क्स, फिर 20% ऑर्गेनाइजेशन, 20% अंडरस्टैंडिंग, 20% सेंटेंस स्ट्रक्चर, और उसमें चारों कैटेगरी दी गई, वर्ड चॉइस और इस तरह से। अब मैंने ये रूब्रिक्स अटैच कर दिया है, अगर मुझे कहीं कुछ चेंज करना है तो आई कैन चेंज, और अगर मुझे इसी पैटर्न पर नया बनाना है तो नया बना सकता हूँ, या कोई कॉलम ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकता हूँ, या कोई क्राइटेरिया ऐड करना है तो क्राइटेरिया भी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। आपने फिर ये रूब्रिक्स अटैच कर दिया, अब ये रूब्रिक्स अटैच हो गया, ये रूब्रिक्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब रूब्रिक्स अटैच हो गया, अब आपने असाइन सारे स्टूडेंट्स को ये डेमो क्लास वन मैंने क्रिएट की हुई है, उसके अंदर ये असाइन किया है मैंने। उसमें ड्यू डेट आपने चेक कर ली कि हाँ मंडे को उनको सबमिट करना है, रात 12 बजे से पहले आपको उसको अगर डेट या कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो एडिट क्लिक करके आप जिस तरह से आपको लेट टर्मिनल आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप एडिट में जाएंगे तो एक विंडो अपीयर होगी, उसमें आप कब ये पोस्ट हो, कल सुबह पोस्ट हो तो मैं यहाँ पर क्लिक करके कल सुबह का टाइम रख दूँगा, कब तक ड्यू डेट है वो कर दूँगा, और ड्यू डेट के बाद कब ये असाइनमेंट क्लोज हो जाएगा कि अब मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये पूरा मैसेज आ जाएगा, असाइनमेंट पोस्ट इमीडिएटली, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ सेलेक्ट नहीं किया, एंड इज़ ड्यू ऑन मंडे, मंडे को ड्यू है रात के 12 बजे तक, लेट टर्न इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि ये दोनों सेम टाइम। और अगर मैं ये टाइम को चेंज कर देता हूँ, मंडे के बदले में एक दिन आगे ले जाता हूँ, तब यहाँ देखिए लेट टर्न इज अलाउड अनटिल ट्यूजडे, ऑटोमेटिकली ये सेंटेंस आपको पूरा बता देगा कि आपने क्या सेटिंग की। इसको डन कर दीजिए, ये हो गया। ओके,
कोई सब्जेक्ट आपको पोस्ट करना है तो यहाँ से चैनल सेलेक्ट कर दीजिए और असाइन। अब ये आपका असाइनमेंट बच्चों को चले गया है। आपने क्योंकि अभी इसको पोस्ट किया कि अभी चले जाए तो बच्चों के वहाँ भी अभी अपीयर हो जाएगा। अच्छा, ये टीचर्स व्यू था। अब मैं टीचर्स व्यू को क्लोज करके और बच्चों के व्यू में उनको किस तरह दिखेगा वो व्यू में जाता हूँ। ठीक है, ये बच्चों का व्यू है, ये बच्चों की टीम है। इसमें एक 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 चाइल्ड क्रिएट किया हुआ है। देखिए, उसके वहाँ एक नोटिफिकेशन आ गया कि आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ है। ओके, ये असाइनमेंट दिया हुआ। अब बच्चे ये असाइनमेंट जब उनको पता चलेगा यहाँ असाइनमेंट दिया हुआ, वो यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी क्लिक करके देख सकते हैं। जब वो व्यू असाइनमेंट करेंगे तो उनके सामने असाइनमेंट आ जाएगा। असाइनमेंट में जिस तरह आपने किया है वो सारी चीज़ें यहाँ बच्चों को भी दिखेंगी। ये लोड हो रहा है। ठीक है, ये बच्चों को आ गया है कि राइट एंड प्लीज राइट इन द अटैच फाइल। ये आ गया है, ये फाइल यहाँ अटैच है, इसको क्लिक करके उसमें उनको लिखना है। और ये रूब्रिक्स भी यहाँ दिए हुए हैं, खास बच्चों को पॉइंट्स भी पता था। रूब्रिक्स बच्चों ने एक दफ़ा ये क्लिक करेंगे तो उनके सामने जो रूब्रिक्स आपने तैयार किए हैं वो इनके सामने आ जाए। देखिए, आइडिया अगर आपका आइडिया एक्सेलेंट कब मिलेगा क्या इस तरह से हो ऑर्गेनाइजेशन ये सारे, तो बच्चों ने एक दफ़ा रूब्रिक्स देख लिया कि उनसे क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या उनसे मतलब है। यहाँ पे उसका वेटेज भी देख लिया, एक नज़र देख के इसको क्लोज कर दिया। अब ये फाइल में काम करना है, उसको क्लिक करेंगे ये फाइल उनके सामने ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद वो ये फाइल देखें, ये वर्ड की जो फाइल उनके सामने टॉपिक आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब वो यही फाइल के अंदर अगर कोई ऐसे लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे उन्होंने लिखा, और फॉर एग्जांपल अलग जहाँ भी उन्होंने तैयार किया है यहाँ पे पहले एडिट डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तो वो एडिट कर सकेंगे। ओके, और अभी यही कर रहे हैं तो हम अभी यही ऐप के अंदर, डेस्कटॉप ऐप के अंदर, ब्राउज़र के अंदर ही वो यहीं के यहाँ एडिट कर सकेंगे। ये ब्राउज़र के अंदर उनको वर्ड जिस तरह अपेयर होता है विद ऑल द ऑप्शंस, वो सारे ऑप्शंस उनके सामने आ जाएंगे। मैंने एंटर किया और कंट्रोल भी किया, देखिए सारे ऑप्शंस उनके सामने आ गए। और फॉर एग्जांपल ये उन्होंने सारा टाइप कर दिया। जब ये टाइप पूरा हो गया, असाइनमेंट को क्लोज कर दिया। असाइनमेंट को क्लोज करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि जब वो सेटिस्फाई हैं तो टर्न इन दबाओ। जब उन्होंने टर्न इन किया तो ये असाइनमेंट देखे, एक अच्छा सा एक जिप फाइल आएगी कि हाँ आपका काम पूरा हो गया है। ओके, और वो बच्चा अब अपने उसमें देख भी सकेगा कि अब मेरा कोई असाइनमेंट बाकी है कि नहीं। ओके, असाइनमेंट जाएगा तो उसको ये पता चलेगा। अच्छा, अब हम बच्चों के व्यू से, बच्चे ने ये असाइनमेंट सबमिट कर दिया, अब टीचर के सामने किस तरह अपीयर होगा। अगेन हम टीचर के इसमें गए। अब ये टीचर का व्यू है, टीचर के व्यू के अंदर टीचर ने असाइनमेंट खोला तो उसको पता चलेगा कि ये क्लास में जो डेमो क्लास बनाई उसमें दो बच्चे हैं और दो बच्चों में से ये अभी रिकॉर्ड अपडेट कर रहा है। टीचर को ये पता चल जाएगा कि एक बच्चे ने असाइनमेंट दे दिया। ये देखिए, टेम्प्री वन ने टर्न इन, ये असाइनमेंट दे दिया है, अभी दूसरे स्टूडेंट ने असाइनमेंट देखा ही नहीं है। अब टीचर चाहते हैं कि हम इसको चेक कर लें तो वो टीचर यहाँ क्लिक करेंगे और उनके सामने बच्चे का काम अपेयर हो जाएगा। अगर ये ऐड कोई इमेज है तो वो इमेज यहाँ आ रही होगी, आप इसको क्लिक करेंगे वो इमेज सामने आ जाएगी। टीचर ने एक दफ़ा जो असाइनमेंट है वो पूरा पढ़ लिया। असाइनमेंट पढ़ने के बाद ये जो रूब्रिक्स ये है इसको ओपन किया। अब टीचर ने कहा, हाँ आइडिया में मुझे कितने मार्क्स देने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ आइडिया में अच्छा आइडिया है, ओके फोर आइडिया। देन टीचर मूव टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में हाँ ये लगता है कि ओके ठीक है। देन मूव टू, यहाँ ऊपर देखें पॉइंट्स आते जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग में गए टीचर कि हाँ राइटिंग शोज स्ट्रॉन्ग, बच्चा टॉपिक समझाए कि नहीं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ये देख लिया। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर बच्चे का कैसा है देखा कि हाँ ओके वो है उसके अंदर, ये मार्क्स दे दिए।
और वर्ड चॉइस में लिया, तो वर्ड चॉइस का सिलेक्ट किया, वर्ड चॉइस में जो भी टीचर को सिलेक्ट करना है कि हाँ अच्छे वर्ड जो उन्होंने इस्तेमाल किए, ये पूरा उन्होंने सिलेक्ट किया। देखिए ऊपर यहाँ पे उसके मार्क्स पूरे हैं। ओके यहाँ पे टीचर ने ये क्लिक करके इसको डन कर देना है, ऑटोमेटिकली मार्क्स 20 में से 18 मार्क्स बच्चे को मिल गए। फीडबैक टाइप करना है तो यू कैन एंटर प्रॉम्प्ट, ओके, और रिटर्न कर। जब टीचर इसको रिटर्न कर दे तो इसको क्लोज किया हमने अभी, क्योंकि रिटर्न टीचर ने इसको रिटर्न कर दिया है इसको क्लोज करेंगे। और अगर वापस टीचर या असाइनमेंट के अंदर जाएंगे टीचर, तो टीचर को पता चलेगा कि एक बच्चे का टीचर ने देख के और उसको रिटर्न भी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा है कि ग्रेडेड, कि आपने एक बच्चे को देख के ग्रेड भी कर दिया और उसको 18 पॉइंट्स मिले। आपका काम ये पूरा हो गया। अब जब आपने चेक कर लिया तो बच्चों को क्या होगा, बच्चे के व्यू में जाते हैं, बच्चे के व्यू के अंदर बच्चों को पता चलेगा कि हाँ मैंने असाइनमेंट्स दिया था। देखिए यहाँ पर एक डॉट आ रहा है, उससे पता चलेगा कि हाँ ओके कि बच्चे को असाइन कंप्लीटेड नथिंग लेफ्ट। ठीक है, अब कंप्लीटेड असाइनमेंट में वो देख सकेगा हाँ मैंने कौन से ऐसे नंबर वन, ओके, यहाँ पे वो देखेगा उसको ये 18 मार्क्स मिले हैं और टीचर ने फीडबैक भी दिया है प्रॉम्प्ट वर्क का, और उसको रूब्रिक्स के हिसाब से किस तरह मिले वो अगर इसको क्रिएट करेगा, ओपन करेगा, तो उसको यहाँ पता चल जाएगा कि टीचर ने किस बात के उसको कितने कितने कौन से एरिया में कैसे मार्क्स दिए। क्लोज हो गया। अगर आप उसको चाहते हैं कि वो और थोड़ा अप्रूव करके वापस दे तो टर्न इन अगेन का ऑप्शन है, क्योंकि अभी टाइम बाकी है। तो आप कहेंगे नहीं आपने इतना लिखा और इसको इस तरह करके दे दें, तो अगेन वो इसको ओपन करके और टर्न इन कर सकता है। जब तक असाइनमेंट क्लोज नहीं है उसको टर्न इन कर सकता है। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल पूरा हो गया। और अब हम अगर ये क्लास के टीम्स के अंदर जाएंगे और टीम्स में हम अगर यहाँ गए हम ग्रेड्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ साइकिल में भी आ जाएगा दो बच्चों के, उन्होंने एक असाइनमेंट पूरा कर दिया है और इस तरह से उन्हें ग्रेड। तो इस तरह से एक पूरा साइकिल असाइनमेंट्स का कंप्लीट होता है अगर आप असाइनमेंट दे रहे हैं। अगर आप कोई से रहे हैं तो कोई ऑटो चेक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली मार्क्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। आई होप कि ये काफ़ी क्लियर होगा और वाजे हो जाएगा कि रूब्रिक्स बना देने से हमें कितना फ़ायदा होता है और कितनी जल्दी हम असाइनमेंट चेक करके तो उसको रिटर्न ऑन टाइम कर सकते हैं। और ये रूब्रिक्स कोशिश ऐसे करें कि जनरल टाइप के रूब्रिक्स बनाएं, स्पेसिफिक हो, लेकिन आप उसको मल्टीपल चीज़ में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे आप कोई भी ऐसे में इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरह कोई स्पेसिफिक हैं मैथ्स के हैं तो आप स्पेसिफिक भी यूज़ कर सकते हैं इन रिलेशन विद द टॉपिक। साइंस के हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द नेट एज वेल।